नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह और एक बार फिर हम यहां मौजूद हैं मिलन शर्मा जी के फार्म पर, जहां पर वो गायों को पालने के साथ साथ रेवनार डेयरी फार्म चलाने के साथ साथ करीब 15 एकड़ जमीन है, जिसमें 3 एकड़ है जो उनकी खुद की है और 12 एकड़ जमीन है जो उन्होंने लीज पर ली है, जिसमें वो करती हैं पूरी तरह जैविक खेती। जैविक खेती मतलब बाजार से आप जैविक खाद लाए और खेती की, ऐसा नहीं, जो भी उनके गौवंश से गौमूत्र और गोबर निकलता है उसी से वो जैविक खेती करती हैं। कैसे जैविक खेती होती है, किस किस फसल की जैविक खेती की जाती है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में एक बार फिर से। धन्यवाद मैम। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो 15 एकड़ ज़मीन पर खेती करती हैं, जो शुरुआत आपने चारे से आपने बताया था पिछले एपिसोड में की थी, और अभी आप उसमें कुछ दलहन फसलें भी हैं, कुछ सब्जी की फसलें भी हैं, उनकी खेती करते हैं, वो खेती आप पूरी तरह जैविक करते हैं। तो जैविक खेती एक होती है, हम बाज़ार से जैविक खाद लाए और हमने उसमें डाला और खेती की। आपने मुझे बताया कि आप घर का ही जो गायों का गौमूत्र है और गोबर है उसी से करती हैं, तो किस तरीके से खेत तैयार होते हैं, कौन कौन सी फसलों की खेती होती है, वो सब एक बार हमारे किसान को। देखिए, जैसे आपने बोला ना कि जैविक नहीं, हमारे यहाँ जो खेती है वो है गौ आधारित खेती, मतलब गौ वंश से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है हम केवल उसी के आधार पे खेती करते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ अपने को प्राप्त होती है वो तो है गोबर और गौमूत्र, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अपनी चारा फसल खड़ी हुई है, केवल गोबर और गौमूत्र से ही हमने इसकी खेती की है। अब इसके लिए मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था खेती का, तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। पहले सुभाष पालेकर जी की किताबें पढ़ी, उसमें जीवामृत बीजामृत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बना करके गोबर और गौमूत्र से और गुड़ और बेसन से, और उसका प्रयोग किया। फिर हमने यहाँ पे अपने यहाँ एक 85 क्यूबिक मीटर का गोबर गैस प्लांट लगा लिया, तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र वालों से भी पता चला कि जो स्लरी निकलती है गोबर गैस प्लांट में से वो एकदम पकी हुई खाद होती है, जो कि फार्म यार्ड मैन्योर जो बोलते हैं पका हुआ गोबर का खाद, उससे भी कहीं ज़्यादा पौष्टिक है हमारे खेत के लिए, हमारे पौधों के लिए। तो धीरे धीरे हम कम्प्लीटली उस खेती पे आ गए कि हम स्लरी की खेती करते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे अगर और किसान भाई जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इसके लिए, तो IIFSR इंस्टीट्यूट जो है मोदीपुरम मेरठ में, वो जैविक खेती गौ आधारित खेती के लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे जैसे किसानों के लिए। तो वो मुझे गाइडेंस अब देते हैं कि मुझे किस समय, अभी तक तो हम ऐसे ही किसी भी समय कर रहे थे, अब किस समय कब हमें गोबर का प्रयोग करना है, किस समय हमें गौमूत्र का प्रयोग करना है, और किस समय हमें खट्टी लस्सी या ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है उसमें। तो और किसान भाई अगर सीखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ज़रूर जाए इस इंस्टीट्यूट पे, सरकारी इंस्टीट्यूट है, मुफ्त में ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छा हम लोगों को सिखाया जाता है। मैं वहाँ पर डॉक्टर चंद्रभानु हैं जो मुझे आजकल गाइड कर रहे हैं। मैम, पीछे मैंने अभी देखा जब मैं आपसे बात कर रही थी ऑफ कैमरा कि बहुत सारी कुछ फसलों के बीज आप मंगा रही थी, किस किस फसल की बिजाई होने वाली है वो भी एक बार बताइए। देखिए, इस समय जो बिजाई का समय है सरसों, तो बिजाई सभी के यहाँ चली रही है, बल्कि अब तो 20 तारीख के बाद डालेंगे नहीं, 20 तारीख तक सभी के खेतों में सरसों की बिजाई खत्म हो जाएगी। आलू की बिजाई भी ऑलरेडी हो चुकी है सभी खेतों में। अब बिजाई का समय आ जाएगा जब गेहूं का बीज डाला जाएगा, चने का बीज डाला जाएगा, और सर्दी की जो जितनी भी सब्जियां हैं उनके भी सभी के यहाँ पौध बनी गई होगी लोगों के यहाँ, पर इस समय अभी हम लहसुन की भी पौध बन जाती है, बाकी सर्दी की जितनी सब्जियां हैं पालक मेथी गोभी पत्ता गोभी ब्रोकली, बहुत सर्दी में तो सब्जियों का भंडार भंडार। सारी फसलें पूरी तरह मतलब गौ आधारित खेती आपके यहाँ होती है? पूर्ण रूप से गौ आधारित खेती। कितनी फसलें हैं टोटल जिनकी खेती आप करते हैं यहाँ पर? देखिए, सब्जियाँ तो केवल अपने घर के लिए ही उगाते हैं, अच्छा। उसको हम कमर्शियली नहीं सेल करते, पर चारे की जो फसलें हैं इसके अलावा अपने यहाँ गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, चना, उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, और काली सरसों, पीली सरसों, और तिल। फसल जाती है सीधे बाजार या वैल्यू एडिशन होता है? वैल्यू एडिशन के बिना तो सस्टेनेंस है ही नहीं, कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है, तो वैल्यू एडिशन तो ज़रूर होता है। अनाजों का दलिया और आटा बनेगा, और जितने भी तिलहन वाले हैं जैसे सरसों है या तिल है, इसके तेल निकाल करके सेल किया जाएगा, और दालों को भी मतलब खड़ी दाल नहीं, सीधे उसको हम उनको दल करके धुली मूँग या दली मूँग इस तरह से दिया जाएगा, और जो थोड़ा जो दाल अपने पास बच जाती है, मान लीजिए अभी सेल नहीं हो रही, हम ऑलरेडी दल चुके हैं, तो उसका पाउडर फॉर्म बना के फेस पैक भी बना लेते हैं। अच्छा, कितने कितने एरिया में कौन कौन सी फसल होती है ऐसा कुछ, या फिर बस कर ली जाती है मतलब?
नहीं, पूरा उसके लिए मींस चार्ट बनता है कि इतने एरिया के लिए इतना बीज चाहिए, क्योंकि बस कर ली जाएगी तो फिर से मॉनेटरी नुकसान ही है, मतलब आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, आपका पैसा ऐसे ही जाएगा। आप बीज खरीद लाएं और आपने डाला उसमें से केवल आधा बीज, बीज भी पैसे से ही आया तो नुकसान हो गया ना। तो उसके लिए हर सीजन से पहले चार्टिंग की जाती है कि हमें, मैं सरसों की खेती का पूछती हूँ, कितने एरिया में आप सरसों की खेती करते हैं, बीज कितना आता है, कितने एरिया में खेती होती है, कितनी फसल पैदा होती है, फिर वैल्यू एडिशन करके कितनी लागत के बाद कितना मुनाफा बच पाता है, क्योंकि सारी फसलों का तो मैं भी नहीं पूछ पाऊंगी तो एक फसल का पूछती हूँ। इतने सारे डिटेल्स बताना तो वैसे भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरा लिखा पढ़त होगी उसके लिए, पर जो औसतन मान के चलते हैं कि एक एकड़ में अपना 1 से 1.5 किलो सरसों का बीज लगता है, तो उस हिसाब से हम बीज लेकर के आते हैं। जब फर्स्ट टाइम हमने सरसों की खेती की थी तो हमने शुरुआत केवल 2 एकड़ से की थी, पर उसी साल में पता चला कि हमारी तो जो सरसों थी, जितनी सरसों आई उसका तो तेल ख़त्म ही हो गया, और अगस्त सितंबर में हमें अपने ग्राहकों को बोलना पड़ा कि भाई अब नहीं है तेल, और ग्राहकों को ऐसा उसका बोलो स्वाद लग गया कि बोले यही तेल चाहिए, तो अगले साल हमने उसे बढ़ा करके 10 एकड़ की, और इस साल अब 23 एकड़ में कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना मुनाफा कितना हो जाता है करीब ये मुनाफे के लिए? तो ये 23 एकड़ आपने जो मथुरा वाली जगह है वो सब मिला के आप बता रहे हैं? हाँ, सब मिला करके बता रही हूँ कि वहाँ पे, यहाँ पर ज़्यादातर चारक फसल करते हैं। अच्छा। और जो बीज अपना आप बनाते हैं उसकी खेती यहाँ करती हूँ, क्योंकि बीज हम थोड़े थोड़े एरिया में बनाते हैं, बीज एकदम हाई क्वालिटी, अगर बीज मुझे यूज़ करना है आगे हाई क्वालिटी होना चाहिए। अच्छा, बीज बनाने से मुझे एक और सवाल याद आया जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, GM सरसों के बारे में जानकारी है आपको? हाँ बिल्कुल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आप सरसों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो पर ना मतलब बीज बना लेते हैं हम, जो इन फसलों को करते हैं इससे बीज बना लेता है किसान, GM से नहीं हो पाएगा वैसा, हर साल किसान खेत के लिए निर्भर है कि बाजार जाएगा, जीव लाएगा, बीज लेके आएगा, खरीदेगा, डालेगा, फिर फसल पाएगा, फिर से बीज खरीदने जाएगा। बिल्कुल। तो GM का बहुत फेवर भी करने वाले लोग हैं, कुछ हैं जो अगेंस्ट भी हैं कि पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है, किसान के लिए भी। आपकी क्या राय है GM को लेकर, GM सरसों? मैं तो मतलब आपको थोड़ी देर जैसे बताऊं, हम जो सरसों का बीज ला रहे हैं हम किसी प्राइवेट कंपनी का भी नहीं लेकर के आते। हाँ। एक सरकारी संस्थान है भरतपुर में है, जो कि सरसों की खेती के ही हाँ। उस पर अनुसंधान केंद्र है। हाँ, वो हाँ। तो हम वहीं से बीज लेकर के आते हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मार्केट में किसी भी प्राइवेट कंपनी का बीज है उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे पे मिलता है, 10 गुना ज़्यादा पे। और जो एक थोड़ी सी बेसिक मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर मुझे और जो किसान भाई वहाँ भी लगाई गई है GM सरसों? नहीं, वहाँ उन्होंने ट्रायल चल रहा है। हाँ। ट्रायल के लिए लगाई गई है कि कितना इससे यील्ड होती है, किस तरीके से। हाँ। वो सब तो वो एक ट्रायल के लिए हाँ, लगाई गई है। ही है सब जगह, अभी जहाँ भी 6-8 जगह हुआ है वहाँ ट्रायल के लिए। हाँ। लगी है। पर जब हम इस साल भी बीज लेने गए और हमने उसके बारे में पूछा तो हमको उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि अभी आप अपना ये बीज लीजिए जो हम हमेशा से लेते आ रहे हैं, और उसका अच्छा रिजल्ट भी आ ही रहा है। तो GM सीड आना चाहिए खेती के लिए? मैं तो उसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आप पूरी तरह गौ आधारित खेती करते हैं। तो GM को लेके बहुत सारे मतलब दो मत हैं कि GM फसलें होनी चाहिए भारत में या नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपका भी मत जानना चाहा कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं तो अपने देसी बीजों के फेवर में ज़्यादा हूँ, जो और बहुत सारे अपने इंटीरियर में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे किसान हैं जिन्होंने इन बीजों का संरक्षण कर रखा है। हाँ। तो मैं उस फेवर में हूँ कि उन बीजों को ला करके हमारे जैसे जो हम अर्बन एरियाज के किसान हैं हम भी उनसे ही आगे और फसल बनाएं और बीज बनाने के प्रयास करें। चलिए एक आखिरी सवाल कि जो हम खेती रसायनों से करते हैं और जो खेती जैविक होती है या गौ आधारित जो खेती होती है, ऐसा कहा जाता है कि गौ आधारित खेती यदि आप करते हैं तो आपको मुनाफा नहीं होता, जैविक खेती आपको मुनाफा नहीं देती, रसायन जब तक आप नहीं डालेंगे, केमिकल्स नहीं डालेंगे, अच्छी खेती नहीं हो पाती है। साइंटिफिक तरीके से जाइए और जैसे मैंने पहले बोला ट्रेनिंग लीजिए, सो समझ के किस समय पे किस चीज़ को हमें प्रयोग करना है खेत में। हो ही नहीं सकता कि आपकी फसल वो रिज़ल्ट ना दे, अच्छा वाला रिजल्ट देती है। देसी बीज में बंसी गेहूं भी उगाती हूं और केवल गोबर और गौमूत्र से, पर डेफिनेटली जो साइंटिस्ट हैं उनकी गाइडेंस में कि किस समय पे पानी के साथ मुझे कॉन्सेंट्रेटेड गौमूत्र छोड़ना है या पानी के साथ उस दिन मुझे खट्टी लस्सी का छिड़काव करना है, तो वो भी वो पूरा चार्टिंग करके देते हैं कि पहले कुछ फसलों में पहले 15 दिन पे करना है, कुछ फसलों में 30 से 40 दिन पे, फिर अगले 20 दिन बाद या अगले 15 दिन बाद। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि हर फसल का पूरा चार्ट बना करके डेट वाइज, अगर मान लीजिए आज 12 तारीख को हमने
फसल की बुआई कर दी, 15वां दिन हुआ 27, तो हम पहले से हमारे कैलेंडर में 27 तारीख पर लिखा होगा कि इस दिन हमें स्लरी चलानी है या इस दिन मुझे इस पे 10 पर्णी अर्क डालना है। तो अगर उस तरह से करेंगे तो मुनाफा होगा। तो आपका किस तरह आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि खेती मुनाफे का सौदा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका ग्रीन टीवी से बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियाँ देने के लिए। नमस्कार। तो दोस्तों, मिलन शर्मा जी ने आपको बताया कि किस तरीके से यदि आप गौ आधारित खेती करते हैं, पूरी तरह जैविक खेती करते हैं, तो ये सोच जो है कि जब तक आप रसायन नहीं डालेंगे खेत में अच्छा मुनाफा नहीं होगा, इसे त्याग दीजिए। क्योंकि गौ आधारित खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है यदि आपको उसकी पूरी समझ है, आप विशेषज्ञों से बातचीत करके उनकी समझ को इस्तेमाल करके खेती करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे ग्रीन टीवी में ऐसे ही किसी अच्छी जानकारी के साथ। देखते रहिए ग्रीन टीवी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक और शेयर करते रहिए। फिर मिलूंगी आपसे, नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।